रोमानिया बॉर्डर पर सैकड़ों भारतीय तीन रात से कड़ाके की सर्दी में फंसे हुए हैं। बर्फबारी हो रही है, तापमान -10 डिग्री से नीचे जा चुका है और इस वीडियो में फंसे हुए भारतीयों ने इंडियन एम्बेसी पर निशाना साधते हुए कहा है कि थैंक यू सो मच इंडियन एम्बेसी इस तरह इस हालात में मुझे छोड़ने के लिए। अगर व्यवस्था ही नहीं थी तो आपने एडवाइजरी ही क्यों जारी की। रोमानिया बॉर्डर पे पिछले 30 घंटे से खड़े रहने के बाद बिना खाए पिए हुए अब हम लोग बर्फबारी झेल रहे हैं। यह बर्फबारी नहीं है, यह हम प्रकृति से नहीं लड़ रहे हैं, यह हम अपने लोगों से लड़ रहे हैं। हम अपने इंडियन एम्बेसी से लड़ रहे हैं। आप बताइए क्या किया जाए। थैंक यू सो मच इंडियन एम्बेसी फॉर शोइंग सच काइंड ऑफ लव एंड रिस्पेक्ट टू अस। वी आर वेरी ग्लैड टू हैव यू। थैंक यू सो मच। यू कैन सी द फेसेस, यू कैन सी द आईज। प्लीज मत करिए ऐसे हमारे साथ। प्लीज आप देख सकते हैं कितनी भारी बर्फबारी हो रही है और यहाँ रहने के लिए एक 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 छत नहीं है, क्योंकि लोगों को जाना है अपने घर, इसलिए चुपचाप से कुछ सहन कर रहे हैं। सर हम लोग आपके आपसे हम लोग सिटीजन है सर, आपको कुत्ते नहीं है जो कहीं भी छोड़ देंगे आप हमें। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, मत करिएगा ऐसा कभी के साथ। बहुत तकलीफ हो रही है हमें। आप कुछ कहना चाहेंगे? अब हम क्या कहें, हम तीन रात से इस तरह खुले आसमान के नीचे अपनी रातें काट रहे हैं। हमको भी नहीं पता कि कौन सा दिन हमारा आखिरी दिन हो जाएगा। यहाँ हम किसी के बम से मरेंगे नहीं मरेंगे, लेकिन ठंड से जरूर मर जाएंगे। भारत सरकार को इसके बारे में जरूर सोचना, और इंडियन एम्बेसी को भी जो यहाँ पर है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इंडियन एम्बेसी का एक भी ऑफिशियल यूक्रेन साइड पे नहीं है और ना रवैया साइड पर है। एकदम बिल्कुल गलत जो रवैया है वो बहुत बेकार। हम आपके सिटीजन है सर, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आप नहीं थी हिम्मत तो आप बोल देते कि हम नहीं कर पाएंगे, आपको मरना है मर जाइए जहाँ पर भी है। आप ऐसा क्यों किए सर हमारे साथ? जब आपके पास कोई प्लान नहीं था तो आप क्यों नोटिफिकेशन जारी किए? यहाँ अगर एक बच्चे की भी जान जाती है तो कौन जिम्मेदार होगा इसके लिए? क्या इंडियन एम्बेसी जिम्मेदार होगी, क्या यूक्रेन सरकार जिम्मेदार होगी, या भारत सरकार होगी? आज ये बच्चे पूछेंगे आपसे सर प्लीज। हम कोई इलीगल माइग्रेंट्स तो नहीं है, हम लीगली यहाँ पे रहते हैं। उसके आज कोई आज सब कोई चुप है, इसलिए सबको घर जाना है। सब सह रहे इसीलिए सबको घर जाना है।